जब से टेस्ट ने डेट रेंज दिया हुआ है, पीपल आर वरीड कि कौन से डेट आएगी एग्ज़ाम को लेकर के, ठीक है। सो 28 जैन से लेके 28th ऑफ फेब, ये इन्होंने डेट रेंज दिया हुआ है, भाई आपका एग्ज़ाम इस डेट के बीच में होगा, ये उन्होंने क्लियर कर दिया है, बट कौन सी डेट को होगा वो नहीं पता। सो वॉट वी विल डू, वी विल लुक एट द ट्रेंड ऑफ द पास्ट ईयर टेस्ट नेट पेपर 2021 एंड 2022 का ट्रेंड, दो साल का देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि एग्ज़ाम कौन से डेट को हो सकता है, ठीक है। दूसरा 23 का कैलेंडर, फाइव मंथ का कैलेंडर देखेंगे तो अपने को एक डेट मिल जाएगी कि ओके ये डेट पे आपका एग्ज़ाम होगा। सो दो जो आर वरीड कि भाई डेट क्या आएगी, तो ये वीडियो के बाद आई थिंक डेट वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा, और ज़्यादा उसको लेके टेंशन भी मत लो। ये मान के चलो आपका फैब में एग्ज़ाम फॉर श्योर होगा, तो आपके पास अभी दिसंबर मंथ है और जैन मंथ का टाइम है पढ़ाई को लेके, मतलब रफली 50 दिन का टाइम है, 45 to 50 days का टाइम है। फुल फ्लेज में लग जाओ, मेहनत करना चालू कर दो, प्रैक्टिस करो, मॉक लिखो एंड राइट द टेस्ट, इवेल्यूएट योर सेल्फ, एनालिसिस करो, ये सब चीज़ें करना चालू कर दो, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट द पास्ट ईयर ट्रेंड ऑफ टेस्टनेट पेपर 2021 एंड 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था, ये एग्ज़ाम हुआ था 20th ऑफ फेब को, ये दिन था सैटरडे, 26th ऑफ फेब ये भी दिन था सैटरडे, मतलब टेस्ट का एग्ज़ाम सैटरडे को हो रहा है, मतलब वीकेंड पकड़ लो आप, सैटरडे या तो संडे होगा, ठीक है। ये आपका ट्रेंड है टेस्टनेट के पेपर का, बट अगर आप प्री कोविड वाला ट्रेंड देखोगे तो वो जैन मंथ में हुआ है, ठीक है। बट लास्ट 2 ईयर से पेपर आपका फैब में हो रहा है और डेट रेंज भी वही आ रही है, तो फर्स्ट वीक ऑफ जैन वाला जो कंसेप्ट था वो तो ख़त्म ही हो गया, मतलब फर्स्ट वीक सेकेंड वीक ऑफ जैन नहीं होगा आपका एग्ज़ाम, ये तो क्लियर है। तो कैलेंडर देखते हैं 2023 का, संडे ये आपका डेट रेंज है ऑन एंड सैटरडे ये डेट रेंज है। अभी तक का जो एग्ज़ाम सैटरडे हुआ है, देखो 4th एंड 5th आपका डेट रेंज क्या है, 28th ऑफ जैन से लेकर के 28th ऑफ फेब, ठीक है। देखो 5th को गेट का एग्ज़ाम है, तो 4th 5th ये वाला वीकेंड मैं स्किप कर रहा हूँ, ये वीकेंड को नहीं होगा एग्ज़ाम, 4th 5th को नहीं होगा एग्ज़ाम आपका। पॉसिबल डेट 11th 18th एंड 25th हो सकती है, क्योंकि इस दिन सैटरडे आ रहा है, अगर संडे को रखा तब डेट आपकी आएगी 12th 19th 26th, बट अभी तक एग्ज़ाम जो हुआ है आपका सैटरडे को हुआ है, सो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि डेट आपका 11th भी नहीं आएगा, या तो 18th आएगा या तो 25th आएगा, दिस इज़ व्हाट माय स्पेकुलेशन, माय ओपिनियन, माय गेस, 18th या तो फिर 25th को आपका टेस्टनेट 2023 का एग्ज़ाम होगा। कमेंट में मुझे लिख के बताओ आप क्या डेट एक्सपेक्ट कर रहे हो कि टेस्टनेट 23 का एग्ज़ाम कब होगा, तो ये दो डेट मैं पकड़ के चल रहा हूँ, ये दो डेट को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो अगर ये डेट पकड़े तो अपने पास एटलीस्ट 15 दिन फैब में भी मिल गए, पूरा दिसंबर आपके पास, पूरा जनवरी है अपने पास, चलो 31 डेज, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस यहाँ पे अपने पास आज डेट है 17, तो सो रफली 12-13 दिन इधर भी पकड़ लो, तो 30 डेज या 45 प्लस 10 डेज ये रफली पकड़ लेते हैं, 50 प्लस ज़्यादा है, 50 to 60 डेज का टाइम है, ठीक है, पढ़ाई को लेकर के। सो आफ्टर दिस कैलकुलेशन, जितने लोग वरीड हो एग्ज़ाम को लेकर के, भाई आपके पास मैंने कैलकुलेट करके डेट दे दिया हुआ है और एग्ज़ाम के लिए कितना दिन बचा हुआ है वो दे दिया हुआ है, बट अगर जल्दी एग्ज़ाम लेते हैं तो भाई मुझे मत बोलना कि सर आपने तो बोला था 18 को होगा 25 को होगा, ये मेरा स्पेकुलेशन है, बिकॉज अभी तक का जो लास्ट 2 ईयर का ट्रेंड है वो दैट हैपन ऑन 20th ऑफ फेब एंड 26th ऑफ फेब, तो उसके हिसाब से नियर टू 20th ऑफ डेट जा रहा है, तो 18 हो सकता है तो फिर 25, यही दो डेट में आपका एग्ज़ाम होगा टेस्टनेट का, या तो अगर संडे को रखा तो उन्होंने 19 या तो 26 को एग्ज़ाम होगा, ये दो डेट पकड़ के चलो। सो यस्टरडे आई वॉज एट दादा सेंटर, आई वॉज डिस्कसिंग विद वन स्टूडेंट, आई डोंट रिमेंबर द नेम, बट शी टोल्ड मी दिस थिंग कि सर ये डेट को पॉसिबल है एग्ज़ाम, तो मैंने बोला यार ये तो सही बात है, तो सारे लोग को पता होना चाहिए। सो थैंक्स टू द स्टूडेंट एंड कीप पोस्टिंग योर ओपिनियन ऑल्सो, तो दूसरे बच्चों को भी काफ़ी हेल्पफुल होगा, एंड ऑन वॉट टॉपिक यू वॉन्ट मी टू मेक द वीडियो, सर ये प्रॉब्लम आ रही है, सो वी विल डेफिनेटली वर्क ऑन द सेम, ठीक है। बैचेस को लेके टिस पायलट बैच इज ऑन गोइंग, तो जितने लोग ने स्टार्ट नहीं किया प्रिपरेशन, यू कैन ज्वाइन टिस पायलट बैच। दिसंबर एंड से टिस 80 बैच लॉन्च हो रही है, टिस 80 में सपने को 80 प्लस टारगेट करना है आउट ऑफ 100 इन टेस्टनेट 23 एग्जामिनेशन, इसलिए इस बैच का नाम ही टिस 80 है, ठीक है। तो 50 से 60 दिन मेहनत करनी है, 4-5 दिन आपके लेक्चर्स होंगे वीक में, प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट लिखना है, टॉपिक टेस्ट, फिर फुल लेंथ मॉक भी लिखना है अपने को। सो वंस यू ज्वाइन विच एवर बैचेस, वीडियो लेक्चर्स, ई बुक्स, मॉक का एक्सेस ले लेना और पढ़ाई चालू कर दो, तोड़ के पढ़ाई करनी है, अभी वही टाइम है अपने पास, 50-60 दिन मेहनत कर लो, टेस्ट में एक बार सिलेक्शन हो गया, थिंग्स विल बी सॉर्टेड।
So those who want to join batches, kindly contact our team on this number. And if you are done with your preparation, तो mock वगैरह लिखना चालू कर दो. सारे के link मैंने description में दिया हुआ है. Do check the description and batches को लेके भी link मैंने description में दिया हुआ है. Do check it. So let's start your testnet 23 preparation. All the best. Thank you.